तो फिर से आप सभी लोगों को मैं आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत बहुत वेलकम करूंगा, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आप सभी लोगों का। और इस संडे को हम लोग कुछ खास मनाते हैं बूमजेक के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और कुछ बढ़िया सीखते हैं ताकि कल मंडे से हमें, हम जो लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिलेगी, तो वो हो सकता है आपको काम आ जाए। तो इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मीटिंग में आए हैं, ट्रेनिंग में आए हैं, तो पूरा ट्रेनिंग आप सुने। और अगर कोई आपका मीटिंग में, ट्रेनिंग में अगर आया नहीं है, तो प्लीज आप उनको कॉल करें, क्योंकि हमने जिन भी व्यक्ति को बुमजैक में लाया है हमारे माध्यम से, उन तक अपडेट देना बहुत जरूरी होता है। तो उनको भी हमें सर्विस देनी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति अगर अपने अपने व्यक्ति को साथ में लेके चलेंगे तो आगे भी आपको बेनिफिट देने ही वाला है वो व्यक्ति। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको बेनिफिट दिया है, कि हर महीना वो तो रिन्यूअल करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। प्लस आपको वो एकेडमी का जो अकाउंट ओपन करेंगे, एकेडमी के जो ट्रेड करेंगे, उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर हम लोग उनको सिखाएंगे नहीं, उन लोग अगर एक्टिव नहीं रखेंगे उनको, तो वो लोग शायद एकेडमी को, अकाउंट को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सीखेंगे नहीं। तो इसलिए हमें उनको बुलाना बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति को हमने अपने माध्यम से इस सिस्टम में लाया है, बुमजैक एकेडमी में लाया है, उनको हर समय हमें अपडेट देना जरूरी है। और समय समय पर हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, और संडे हो या मंडे हो या फ्राइडे हो, हम लोग ये ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, समय हो गया है, मैं आपकी उपस्थिति में यशिन सर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। बुलाने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर, मैं आपको नोट डाउन करना चाहूंगा कि सवाल जो है, आप ट्रेडिंग की रिकॉर्डिंग पूछे, जो भी आपको दिक्कत आती है उसके रिकॉर्डिंग आप सवाल पूछिए, और जो पुराने बंदे हैं वो सवाल पूछे प्लीज, जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप प्लीज, आप पूरा मीटिंग देखे, और उसके बाद में आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ एक बार डिस्कशन करें, वो आपको जरूर क्लियर करेंगे। क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है पुराने लोगों के लिए है, मगर हमने ग्रुप में सेंड कर दिया है नए लोगों के लिए भी। कोई दिक्कत नहीं, अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आए हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सीखने की, तो इस चीज का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे हम लोग। तो चलिए, मैं आप फिर से आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करूंगा, और आज की इस मीटिंग को शुरुआत करूंगा। आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, जो मैंने बताया आपको कि जितने लोग पुराने हैं, एडमिशन लिए हुए, वही लोग सवाल पूछिएगा, क्योंकि समय को हमें भी देखना है। तो मैं यहाँ पे, हम सभी की उपस्थिति में हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा, मिस्टर यासिन शेख सर को। यासिन शेख सर, आप प्लीज आए और आज का जो ट्रेनिंग सेशन को आप शुरू करें। वेलकम सर, वेलकम यासिन शेख सर। थैंक यू सर, थैंक यू। संडे का दिन है, बहुत सारे लोग आज छुट्टी मना रहे हैं और हम सबको थोड़ा परेशानी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी साथी आए हैं सीखने के लिए आए हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, हमारे बुमजैक से रिलेटेड, बुमजैक इंडिकेटर से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें हमें क्यों क्यों करना है, क्यों, ये हमारा क्लियर है। जिनका नहीं है उनके लिए भी सेशन में हम सारी चीजें कवर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो समझना चाहते हैं बूमजा क्या है,
उमजा के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसके वजह से लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग कामयाब भी हो रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो भूमजा का मकसद क्या है, यह आज हम क्लियर खुलकर बात करेंगे छुट्टी के दिन में। और जो लोग अगर नहीं आए हैं तो इस रिकॉर्डिंग को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। तो जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे पैकेज को परचेस किया है 3,000 रुपीज दे के मंथली सब्सक्रिप्शन दिया है, वो बंदा जब आता है, आने के बाद किसी न किसी के कहने पे जुड़कर एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद उसे करना क्या है जिस पे हम बात करेंगे, स्टार्ट कैसे करना है, इसके बाद वो बंदा क्या हासिल कर सकता है। जैसे कि ट्रेडिंग, ये जो वर्ड है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं नए लोगों के ऊपर गौर करूंगा, क्योंकि पुराने लोगों, नए लोग मतलब जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पुराने लोग तो कर रहे हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं, जो नए नए फर्स्ट हैज अ फ्रेशर की कुछ मालूमात बाहर से लेकर ट्रेडिंग के अंदर एंट्री मारे, उनके लिए मैं आज एकदम सिंपल तरीके से वन बाय वन कवर करूंगा। तो सबसे पहले बूमजैक बूमजैक फैमिली में आप सभी का स्वागत है। बूमजैक को स्टार्ट करने के लिए आज वीकली एनालिसिस भी हम करेंगे, और लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से आने वाले वक्त में गोल्ड धूम मचाने वाला है उस बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजी एनालिसिस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट है, पेन पेपर लेके मेरी जो जो बातें मैं कहूंगा उन्हें लिखने की कोशिश करें, ताकि आगे चल के वो सारी स्ट्रेटजी आपको काम आए। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो कमियां आती है वो पूरी करने की कोशिश करना। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फर्स्ट एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर की दुनिया के अंदर कि सोच, इंसान की सोच, इंसान की सोच जिसकी जितनी बड़ी सोच है वो उतनी तेजी के साथ मार्केट के अंदर काम करता है, अपने सपनों को बढ़ाता है, सोचने का दायरा बढ़ाता है, वही बंदा किसी ना किसी सेक्टर में सक्सेस होता है। जैसे कि हर एक इंसान सोचता है कि अरे यार पैसा क्या करना है, तो उस बंदे का विजन ही नहीं है, तो वो अपने सोच को बढ़ाएगा कैसे, अपने मेहनत का टारगेट बनाएगा कैसे और सफल कैसे हो। कि कुछ साल पहले मेरी भी सोच थी 1,000 रुपीज मेरे वीक में आ गए, बहुत हो गए, मुझे नहीं चाहिए। जब मैं ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर एंट्री मारा तो मैंने देखा यार ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे इंसान के सोच को, एजुकेशन्स के सोच को और अपना विजन और सपनों को सामने रख कर वो बंदा आगे बढ़ता है, अपने सपनों को डिजाइन करता है। कुछ कई साल पहले मैंने देखा 700 रुपया मंथली पे लोग काम करते थे, 700 रुपया मंथ, 700 रुपया परदेश में आके दिन का 3,500 रुपया हाजिरी, सुबह 7 बजे जाते थे, रात के 7 बजे आते थे वो लोग। और आज के डेट में मैं नोट कर रहा हूँ ट्रेडिंग की दुनिया में मैच करके कि यहाँ पे एक पॉइंट के मोमेंट में बंदा 100 रुपया लेके निकलता है बाहर। एक जमाना था, उस जमाने में मैंने 5 रुपये में मेरा घर चलाया, 6 लोगों की फैमिली, 5 रुपये में घर चलाना, 6.5 रुपए किलो चावल दे, 1 रुपए का तेल मिक्स मसाला लेकर 2 टाइम खाना, सुबह मच्छी मारता था, मच्छी लाकर 5 रुपए, आधे मच्छी घर पे रखता था, आधे मच्छी बेचने जाता था, वही 5 रुपए रिटर्न आके घर में देके मैं स्कूल पढ़ाई करने जाता था। एक जमाना था वो, तो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वक्त बदल चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया महंगाई बढ़ गई है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो महंगाई अगर बढ़ गई है तो आपका फोकस इनकम बढ़ाने में होना चाहिए। जैसे कि हमारे सोच का दायरा बहुत सारे लोग मेंटेन करते हैं, पहले तारीख से 10 तारीख तक एकदम इस तरीके से रहते हैं कि भैया जो चाहिए वो हम खरीद सकते हैं। 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक तो बंदे की हालत थोड़ा मीडियम साइज हो जाती है, और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख में पूरा लो डाउन हो जाता है। मैं बहुत सारी जगह पे मैं नोट करता हूँ कि मैंने नोट किया है ये चीजें वैकेंशन एरिया के अंदर। कल जैसा ये वीकली एंडिंग था कि पूरा सन्नाटा, क्या हुआ कि भाई पैसे ही खत्म हो गए तो जाएंगे कहाँ से। तो ये सारी चीजें
तो सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या करना है, हमें हमारा विजन तैयार करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है ताकि मैं मेरा वीकली टारगेट, मंथली टारगेट और अपने सपनों को पूरा कर सके। अभी सपने तो है, हर एक इंसान के है, और वो सपने पूरे करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अमीर बनना है, तो उसकी प्लानिंग कहाँ से लाओगे? उसका टारगेट हमें सेट करना है कि इतने समय में मुझे डिवाइड करना है कि अगर मुझे आज घर लेना है, 30 लाख रुपए का घर लेना है, 50 लाख का फ्लैट लेना है, तो कितने दिन में लेना है और कितने दिन में लेके डिवाइड करके आज हम 1 डे प्लानिंग, 1 वीक प्लानिंग, 1 मंथ प्लानिंग में क्या करते हैं, तभी उस मकाम को हम हासिल कर सकते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर है कि भाई साहब आप आए हो मेरे भूंजा के अंदर, तो आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत कहाँ से होगी कि सबसे पहले आपको देखना है कि भाई मेरे 1 पॉइंट का मास्टर होना है, 1 पॉइंट का, 1 डॉलर कमाना, 1 डॉलर कमा के, 1 डॉलर लगा के दिन में 1 डॉलर कमाना, सबसे पहले स्टूडेंट का ये टारगेट होना चाहिए कि भाई आज मेरा एक दिन है, पहला दिन है, तो मैं डेमो में 1 डॉलर कैसे कमाऊं। सेशंस, 3 सेशन है पूरे दिन के अंदर, सबसे पहले उन्हें क्या करना है, मैं हर मीटिंग में कहता हूं भैया भूमजा कैटे एक्टिव करना है, इसके बाद क्या करना है, भूमजा सेवन है एक्टिव करना है, भूमजा सेवन है, भूमजा कैटे, दो इंडिकेटर आपको एक्टिव करना है, और 3 सेशन है जो 3 सेशन के नाम आपके सामने मैं रखता हूँ, हर टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि भाई साहब 5 मिनट टाइम फ्रेम रखो और ये तीनों सेशन अटेंड। अभी तीनों सेशन अटेंड करने के लिए भी मुझे बोलेंगे कि सर यह कैसा करना है, तो यहाँ पे करना है क्या है, जो टाइम बताया उसके पहले रेडी रहे और अपना ट्रेड लगाए, 1 डॉलर का मोमेंट ले और निकल जाए, 0.01 का ट्रेड लगाना है और 0.01 जैसे 1 पॉइंट अप जाता है तो 1 डॉलर प्रॉफिट दिखता है, राइट? तो पहला 1 डॉलर कैसा कमाना है ये पहला आपका फोकस होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 1 डॉलर से कैसे हम सक्सेस होंगे, भाई साहब पहले आप 1 डॉलर कमाओगे, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसके बाद आप 2 डॉलर, 5 डॉलर, 10 डॉलर अपने टारगेट को बढ़ाना है और एक तरफ आपकी स्किल को डेवलप करते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बूमजैक ने क्या किया है कि भैया कंपाउंडिंग के माध्यम से 1 डॉलर के मास्टर बने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एशिया मार्केट खुलता कब है, हम बताएं 5:30 बजे खुलता है, तो भैया कुछ लोग उठ पाते, कुछ लोग नहीं उठ पाते, जो लोग जिनके सपने हैं वो लोग जल्दी उठते हैं और अपने टारगेट को कंप्लीट करके निकल जाते हैं। जैसे ही 5:30 बजे मार्केट खुला, कुछ कैंडल्स डाउन गई, लास्ट वाली लाइन क्या बोलती है, यहां से यहां तक देखिए, लास्ट वाली लाइन बोलती है बाय, तो हमें कहाँ बैठना है सर, सीधी बात है, ओके? पर ये चीजें हैं, इसको समझने के लिए 2 रेड हुई, एक कैंडल छोड़ के अगर भी हमने एंट्री मारा तो 2020 600, 2019 400, 1 पॉइंट हमें मिला, मिला कि नहीं मिला, तो 2 रेड हुई हमें सेल का ऑर्डर लगाना है और 2 ग्रीन हुई हमें बाय का ऑर्डर लगाना है। इतना ही हमें करना है, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, ज्यादा दिमाग चलाओगे कि कितना भी बार ज्यादा नॉलेज आपके पास है कम है, क्योंकि मैंने कुछ छोटी छोटी बातों को मैंने जमा किया है जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट टाइम, मार्केट खुलता है 5:30 बजे, बंद होता है शाम दोपहर 11:30 बजे, सुबह 5:30 से 11:30, रिट्रेसमेंट टाइम लिख लीजिए 8:35 की कैंडल, ये देखिए सर 8:35 की कैंडल। अभी हम हमेशा कहते हैं कि 2 रेड हुई तो हमें सेल का ऑर्डर लगाना है, ये देखिए सर 2 रेड हुई, कितने बजे रेड हुई, दोनों एक साथ 8:15 हुई, बराबर है? यहां से यहां तक आपको मोमेंट मिला क्या नहीं मिला, मिला, तो एक एक डॉलर का आपको मास्टर बनना है, ज्यादा डॉलर नहीं चाहिए हमें। लंदन खुलता है 12:30 बजे, बंद होता है 3:30 बजे, देखिए 2 रेड हुई, मार्केट थी यहाँ पे इस कैंडल पे 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये देखिए मार्केट 2022 700, पड़े रहो सेल में, अपना टारगेट हो गया 19 22 से 19, आपको 2 पॉइंट तो दिए ना, बस निकलो बाहर, नहीं चाहिए हमको तीसरा पॉइंट। रिट्रेसमेंट टाइम लिख लीजिए लंदन मार्केट का 2:05, 2:05 के पहले मार्केट नीचे से ऊपर आए तो ऊपर से ये नीचे जाएगी, हमेशा कहता हूँ कि देखिए एशिया सेशन के अंदर हर सेशन की मैं बात करूंगा,
सेशन के अंदर आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपको फर्स्ट लाइन ही कंफर्मेशन देती है। फर्स्ट लाइन पे भी आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, पर इंस्टेंट एंट्री और इंस्टेंट एग्जिट होना जरूरी है। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो दो रेड लो से, दो ग्रीन है बाय, दो रेड लो से, दो ग्रीन है बाय, इतना ही करो। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझना है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से नीचे आती है, इतना ही करो। तीसरा जो है न्यूयॉर्क मार्केट, दो रेड हुई, ये देखे नेक्स्ट कैंडल 2023 2020, ओके। रिट्रेसमेंट टाइमिंग मैंने बताया 7:05 की कैंडल, देखिए सर ऊपर से नीचे, यही कैंडल नीचे से ऊपर के कितने पॉइंट दिए सर, देखिए 2020 2025 5 पॉइंट, हमें कितना लेना है 1-1 डॉलर। दिन में 6 डॉलर लो, छुट्टी करो, पूरा दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ट्रेड करने वाले सुबह से शाम तक कमाते हैं और शाम के मार्केट में गंवाते हैं। तो ये चीजें हैं, हमें थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिस करके पहले डेमो में मास्टर बनना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बहुत हो गए। अभी यहाँ पे आपके खुद के टारगेट है, आपकी जरूरतें हैं, आपकी फैमिली है, आपके आप यहाँ क्यों आए हो, आपकी जरूरतें इसलिए आए हो। कई जगह पे मार्केट मार्केट के अंदर धोखा खाया है लोगों ने, लोगों के डिपेंड होके अपना पैसा लोगों के हवाले किए, आप लोगों के कहने पे किसी ने किसी मनी मेकिंग स्कैम के अंदर पैसे लगाए और वो पैसे चले गए। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लायबिलिटी है, वो चाहते हैं कि भैया जल्द से जल्द मैं पैसा कमाऊं, वो जल्द से जल्द मुझे लोगों के देने हैं, जल्द से जल्द मेरे टारगेट पूरे करने हैं, मेरे सपने पूरे करने हैं। भैया ये सारी चीजें आपकी जगह पे है, पर आप पहले अपने आप को मास्टर तो बनाइए, सीखिए तो सही। इसके लिए मैंने बुमजैक प्लानिंग सिग्नल चैनल सर्विस चालू किया हूं कि भाई साहब वहां से कुछ सिग्नल लेके आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लो, कुछ उस सिग्नल को लेके हमारे कंपाउंडिंग की स्टेप कंप्लीट कर लो, या एजुकेशन पे तो आपको हमेशा ध्यान देना है, 90% आपको एजुकेशन लेना है मेरे इंडिकेटर से, मार्केट से, न्यूज से, एनालिसिस से। एक तरफ आपको एजुकेशन करना है, दूसरी तरफ आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ना। तो ये चीजें हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, चलो सेशन नहीं कर पाए, कहीं काम में बिजी है, जॉब में बिजी है, नो प्रॉब्लम। ये इंडिकेटर निकाल दिया, बूमजैक 7 है, बूमजैक 9 ने लगा दिया। बूमजैक 9 के अंदर एक ही चीज मैं बताऊंगा, एक ही चीज बताऊंगा, 45 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। बूमजैक 9 ने, यस, 45 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल जनरेट हुआ, सीधा ट्रेड लगा देना है, ओके। 45 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल जनरेट हुआ, आप बिंदास ट्रेड लगा लो, एक कैंडल छोड़ो, दूसरी कैंडल पकड़ के निकल जाओ, एक कैंडल पकड़ना सीख जाओ, एक कैंडल 45 मिनट की एक कैंडल, या 1 आवर की एक कैंडल। 1 आवर कैंडल जब एक घूम गई तो दूसरी डाउन ही जाती है, ओके। हैमर बन गए तो एक कैंडल पकड़ना सीख जाओ तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि भैया मैं क्या करूं, कब एंट्री मारूं, कब निकलूं। तो आपने पूरे दिन के अंदर 12-24 घंटे होते हैं, अभी मंडे टू फ्राइडे 24 घंटा मार्केट चालू होता है, आपको करना क्या है, एक कैंडल पकड़ने वाले सीखना है, एक कैंडल कैसे पकड़ना है। तो 1 आवर जब भी घूमती है एक स्ट्रक्चर रेंज बाउंडिंग तोड़ के, तो नेक्स्ट कैंडल, एक कैंडल पकड़ लो भाई, स्विंग को पकड़ो नीचे का 1 पॉइंट का एसएल देके और यहां तक निकल जाओ। तो ये भी आप कर सकते हो, या ये सिग्नल का फायदा लेके आप अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। ये हो गई दूसरी बात। तीसरा कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग क्या है जो सर ने लेके आए, हर बार बोलते हैं कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अंदर आपको उतना ही करना है, छुट्टी करना है, मतलब आपका सेट किया हुआ टारगेट लिख लीजिए। कंपाउंडिंग के 5 स्टेप, बूमजैक के 5 स्टेप लिख लीजिए,
जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, जिन्होंने लिखा है कोई बात नहीं। पहला स्टेप है 0.03 लिख लीजिए, आगे लिखो 2 पॉइंट मतलब $2 का मूवमेंट, और राइट साइड में लिख लीजिए $6। दूसरा स्टेप 0.04, 2 पॉइंट राइट साइड का स्टेप है $8। तीसरा 0.05, 2 पॉइंट राइट साइड में लिखो $10। ओके, तीसरा 0.07, 2 पॉइंट $14 राइट साइड में। नेक्स्ट स्टेप 0.09, 2 पॉइंट। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो $20 से स्टार्ट किए, मार्केट घूम गया तो लॉस हो गया, तो इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला है भाई साहब। पहला जो स्टेप हमने आपको दिया 0.03, ओके 2 पॉइंट। अभी हमने क्या कहा मीटिंग में, हमेशा कहता हूं कि भाई साहब दिन में 1 पॉइंट लो, 60 दिन में कंप्लीट करो, राइट। तो दिन में 1 पॉइंट का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पहला स्टेप होता है $3, ओके। पहला स्टेप होता है क्योंकि 0.03 डिवाइड हो गया ना, क्योंकि हमारे 30 ट्रेड कंप्लीट करने हैं, पर ट्रेड 2 पॉइंट, टोटल लेने 60 पॉइंट। तो 30 ट्रेड के अंदर आपने 60 डे का लिया है, तो 60 डे के अंदर पर डे 1 पॉइंट, तो पहला स्टेप होता है $3। सर 0.02 से एंट्री एग्जिट करो ना सर, $1 लो निकल जाओ, $1 लो निकल जाओ, $1 लो निकल जाओ। अरे भाई आधा आधा डॉलर लो निकल जाओ, पाव पाव डॉलर लो निकल जाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये चीजें होने के बाद भी बहुत सारे लोग लालच में आके ट्रेड करते हैं, और एक कुछ एक बार कब एक लेवल पे चल जाता है वहां से रिवर्स आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको मेंटेन हमें कैसे रखना है। जैसे कि जो स्टूडेंट ने $20 से स्टार्ट किया एकेडमी अकाउंट के अंदर कंपाउंडिंग, $50 से स्टार्ट किया, $100 से स्टार्ट किया, बराबर है। तो आप $20 से स्टार्ट किया है, हमने $20 से स्टार्ट करने के बाद आपको अपना टारगेट सेट किया कि सर मैं दिन का 1 पॉइंट $3 बना के छुट्टी करूं, $14 नहीं चाहिए, सेशन फॉलो करना है और क्रिएट सिग्नल को फॉलो करके आप आगे बढ़ो। दूसरा एक लेवल पे जाते बंदा $20 से $50, $100, $200, वहां भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, भैया अभी तो मैं जो चाहूंगा वो होगा, जिस तरीके से मैंने $20 से $200 बनाया तो भैया अभी मैं बड़े बड़े लॉट मारूंगा। उस वक्त आपको न्यूट्रल हो जाना है, बड़े बड़े लॉट नहीं मारना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि भैया मैंने जिस तरीके से $20 से $200 बनाया, मैं उसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा, मैं बड़े बड़े लॉट नहीं लगाऊंगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, उस लेवल पे जाने के बाद वो बंदा बड़े बड़े लॉट लगाता है, और वो मार्केट में घुसने से पहले अपना टारगेट सेट नहीं करता, अपना स्टॉप लॉस सेट नहीं करता, अपना टारगेट सेट नहीं करता, जब चाहे घुसता है जब चाहे निकलता है, मार्केट उसको लेके जाती है। ये चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से कंपाउंडिंग का जो स्टेप आपने समझ लिया है, और इंडिकेटर के बारे में भी मैंने न्यू स्टूडेंट के को बता दिया है। तो जैसे कि गोल्ड एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला, जिस तरीके से मार्केट के हालात चल रहे, वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे कंट्री के अंदर फंडामेंटली, क्योंकि मार्केट जो है फंडामेंटली ही चलता है, ये हमें नोट करना है। मैं कई बार कहा हूं मीटिंग के अंदर कि एक चीज नोट डाउन करो, अगर मार्केट गिरा 20 पॉइंट 30 पॉइंट गिरा, एक लेवल पे मार्केट आती है सारे लोग बाय में बैठेंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, थोड़े थोड़े पॉइंट जनरेट करेगी, एक न्यूज आएगी 10 पॉइंट नीचे खींचेगी, इसके बाद ऊपर जाएगी। जिस तरीके से मार्केट आपको मैं बताने जा रहा हूँ 1 आवर कैंडल यहाँ पे हुई, ये देखिए सर, ये कौन से दिन की बात है, 24 जनवरी की बात है, ओके। 24 जनवरी में क्या हुआ, मार्केट क्रैश हुआ। चलो एक कैंडल हमसे छूट गया, बराबर, दूसरा कैंडल तो पकड़ सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का डिफरेंस हुआ ये देखिए, 25, 2025 मार्केट है 2014, कितना पॉइंट, 10 पॉइंट का एक कैंडल,
1 डॉलर से 10 डॉलर लेके बंदा बाहर निकला है। ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट सेकंड कैंडल को आप जिस दिन पकड़ना सीख गए, मार्केट के आप बादशाह बन जाओगे। जैसे कि आप देखो, ओके, हैमर बनी, नेक्स्ट कैंडल अपसाइड, ये पूरा आपको मोमेंट हाथ में मिल सकता था, कोई दिक्कत नहीं। बेरिस हो गई, नेक्स्ट कैंडल आप पकड़ के, ये कैंडल आप पकड़ सकते थे। मार्केट थी 2015 और आई 2011, ओके, 5 पर। यहाँ पे हैमर बनी, ये ने कैंडल छोड़ दिया, नेक्स्ट कैंडल ये देखिए 2014, 2018, तो 1 आवर कैंडल, ये देखिए 1 आवर कैंडल घूमी है, नेक्स्ट कैंडल का ये मोमेंट आप पकड़े, 1 आवर कैंडल घूमी, नेक्स्ट कैंडल पकड़े, 1 आवर कैंडल घूमी, नेक्स्ट कैंडल पकड़े, 1 आवर घूमी, नेक्स्ट कैंडल पकड़े, 1 आवर घूमी, नेक्स्ट कैंडल। आप देखिए यहाँ पे 1 आवर की नेक्स्ट कैंडल को पकड़ के भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ये देखिए 1 आवर, ये नेक्स्ट कैंडल, तो इसे हमें पकड़ना है। ये पकड़ना सीख गए तो आपकी कंपाउंडिंग कंप्लीट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका विड्रॉल ही इतना होगा, 52,000 डॉलर कंप्लीट करते करते ऐसे कई सारे 52,000 डॉलर आप विड्रॉ ले चुके होंगे। ये मेरे प्लानिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। मार्केट गिरी, कुछ लेवल ऊपर आई, बाद में डायरेक्ट 10 पे आई, ये देखिए मार्केट 2009। ये सब लोग साइडवेज में या बाय में बैठे, जैसे कि कई जगह पे होती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखिए मार्केट अब गई, एक लेवल में अटक गई, यहां से 10 पॉइंट ऊपर गए, इसके बाद ये नीचे आया, तो 10 पॉइंट का डिफरेंट थोड़ा सा आप सीख लो, और जिसके माध्यम से आप अपने टारगेट को साइकोलॉजी के माध्यम से आप दिमाग लगाओ। आप ये दिमाग लगाओ हमेशा कि भाई साहब कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो गिरते ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट अब जा रहा है तो अभी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको रिट्रेसमेंट लेना ही है। तो बहुत अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू आज मैंने ये बताया है, और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरे भूमजाग चैनल के अंदर दिया है, भूमजाग यूट्यूब चैनल के अंदर। और इसके बाद कंपाउंडिंग प्लानिंग के बारे में मैंने बताया है, इसके बाद और कुछ चीजें पेंडिंग है। इकोनॉमिकल हालात अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट के अंदर, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ये है 1 मंथ कैंडल। अभी चल रहा है जनवरी, ओके, ये देखिए 2009 जनवरी, ओके, कितना डिफरेंस है, मार्केट थी कितने पे, 1200 पे थी भाई, 1200 कहाँ आई। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है आवाज सर, हेलो, यस हाँ अब आ यस रहा है सर। यस सर, मार्केट थी देखिए सर 2019 में थी, मार्केट थी 1200, 1300 पकड़े, मार्केट है गए 1300 से 2000, 700 पॉइंट। ये जो रैली मिली है ना, ये ऐसी रैली आने वाले वक्त में यहाँ दिखने वाली है, कहाँ तक, यहाँ तक। क्यों दिखने वाली है, क्योंकि एक होता है फेडरल बैंक FOMC मीटिंग, FOMC मीटिंग जो होती है अमेरिका में, फॉरकास्ट और इकोनॉमिकल पढ़ाई को लेकर, डॉलर इंडेक्स मजबूत होना, वीक होना, रिसेशन होना, न्यू डॉलर छपना और वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजों को मैच करके FOMC मीटिंग के अंदर कुछ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ये दो चीजें होती है। तो इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होती है, रेट कट करना और रेट हाई करना, ये दोनों चीजें उन लोगों के हाथ में होता है मार्केट को कंट्रोल करने में। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो मार्केट आने वाले वक्त में गोल्ड भी ऊपर जाएगा और डॉलर भी ऊपर जाएगा, दोनों ऊपर जाएंगे। अभी कुछ टेक्निकल से अगर देखा जाए,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, ओके, डॉलर अप जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, डॉलर से पैसा निकलता है गोल्ड में जाता है और गोल्ड से पैसा निकलता है डॉलर में जाता है, पर रिसेशन आते हैं उस वक्त दोनों ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वही चीज अभी आने वाले वक्त में होगी। टेक्निकली बहुत सारे लोग फेल हो चुके रहेंगे जो जिन्होंने एक चीजों को पकड़ के चला। तो आने वाले वक्त के अंदर डॉलर, रिसेशंस एंड एफओएमसी मीटिंग प्लस वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें होने की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल, जितने भी यूएसडी पेयर की करेंसी है, ये मार्केट के अंदर बहुत स्पीड के साथ ऊपर जाने वाली है। और जाने से पहले एक मैं एनालिसिस दे रहा हूं इस मीटिंग के अंदर, आपको अगर बाय करना है तो 1974 का एक सपोर्ट है, यहां से आप एक छोटा सा बाय ले लेना। इसके बाद अगर ये ब्रेक नहीं हुई तो यहां से सपोर्ट लेके मार्केट अप जा सकती है। तो यहाँ पे हम एक ऐसे लेके एक अच्छा सा पोजीशन ट्रेड लेंगे आने वाले वक्त में। टारगेट रहेगा हमारा 2024, ओके। तो ये चीज है, इसे एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट जाने वाली है। और 2004 एक सपोर्ट है, 2004 का मार्केट 2018 में है अभी। 2004 अगर ब्रेक हुआ तो नीचे का टारगेट है 1964 74 के बीच में आ सकता है मार्केट, आने वाले वीक की बात बता रहा हूँ। अगर 2004 ब्रेक नहीं हुआ तो 101% सीधा यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकलेगी, जिसको हम संभाल पाना मुश्किल है। और जितने भी ट्रेडर है उनको मैं यही कहूंगा कि भैया सेल में चांस कम लेना, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम आप सेल लगा के सोए होंगे और मार्केट उठा उठा के ऐसे 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 100 पॉइंट मार्केट झपा झप मारने वाली है। और बहुत ही आने वाले 7 दिनों में फ्लक्चुएशन होने वाला है मार्केट के अंदर। तो ये चीजें आप नोट डाउन करो, सेल में ट्रेड कम लेना और अपना टारगेट कम से कम रख के स्टॉपलस लेके चलना, टारगेट को लेके चलना। तो ये चीजें थी टेक्निकल एनालिसिस, वीकली एनालिसिस से रिलेटेड। और मेरे हिसाब से आज के जो सेशन के अंदर जो जो चीजें मुझे कवर करनी जैसी थी उस चीजों को मैंने कवर कर चुका हूँ। अगर कुछ पेंडिंग है तो गुरुजी जरा आप आगे का जो भी है जरा आप देख लीजिए सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, यशन सर। दोस्तों, कुछ अगर आपके कुछ सवाल है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी आपको कुछ डाउट्स है या कुछ आपको दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप आपके सवाल यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि हम लोग मीटिंग में सवाल नहीं लेते हैं टाइम के कारण, ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सवाल को पूरा क्लियर करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने से ही मोहम्मद जुबेर सर को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। ओके मोहम्मद जुबेर सर, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। ये सरकार इन एमएलएम इंडिया, आपका नाम अगर यहाँ पे रहता तो बहुत अच्छा होता था सर। कोई बात नहीं, आपका नाम बता दीजिए और आपका ज्वाइनिंग हुआ है सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो हेलो जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। वेलकम सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मेरा वेरी कुछ गुड आफ्टरनून सवाल सर। थोड़ा आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है तो सर, रेंज का इशू है। जी नेटवर्क में आके बोलिए सर। अभी आ रही है आवाज? यस यस हाँ सर, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ कि सर, यासीन सर के गाइडेंस और आपका जो भी सेटअप है, इंडिकेटर सेटअप और सपोर्टिंग इंडिकेटर्स जितने भी हैं, उन सबकी हेल्प से सर ट्रेडिंग में बहुत आसानी जा रही है और बहुत ही मतलब हेल्पफुल है ये सारा चीज।
और हर रोज जो मीटिंग में एनालिसिस या फिर टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप कम्युनिटी में आप डालते हो ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि इस सब पे थोड़ा नजर रखते जाइए। जब भी आप ट्रेड करते हो या ट्रेड लेते हो तो इन सब पे थोड़ा सा नजर डालते जाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सर बहुत जल्द अपना जो कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो सकता है। अभी मैं मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से आशीष सर जो भी आपको खर्चा करना पड़ेगा ना, वो फर्स्ट टाइम शायद मेरे पे ही करना होगा। यस हाँ सर हाँ तो ये टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ कि ये जितना जो भी बैच है इसमें अब फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो। अब देखते हैं आपके सपोर्ट से क्या क्या होता है, और हम साथ में ही वर्क कर रहे हैं अभी। चलो यस सर, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू सर थैंक यू। यू सर। सर का बहुत अच्छा वर्ड रहा, इन्होंने हमारे पूजा को समझने की कोशिश की, एडमिशन लिए, हमारे इंडिकेटर की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किए, एक-एक दो-दो पॉइंट निकाल के मुझे डेली सेंड किए, सेशन अटेंड किए। सेशन अटेंड करने के बाद अभी मंडे से प्रॉपर तरीके से सर कंपाउंडिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बहुत-बहुत अपने सपनों को बना के डायरेक्ट डायमंड में एंट्री मार रहे हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि डायमंड क्या है बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे डायमंड क्या है। तो डायमंड में आने के लिए 1,000 2,000 3,000 डॉलर लोड करना होता है, चॉइस योर ब्रोकर, एकेडमी अकाउंट क्रिएट होता है, ट्रेड वो मारते हैं और एकेडमी प्लानिंग देती है, और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके बंदा आगे बढ़ता है। तो इस चीजों को अच्छे से आप प्रैक्टिस करके, बहुत सारे साथी लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वक्त लगा रहे हैं, 3,000 रुपया रिन्यूअल का जा रहा है, हर महीना जा सर, रहा एक है। हाँ सवाल है, यस आप पूरा करिए सर आपकी बात। 3,000 रुपये रिन्यूअल का जा रहा है, लोगों के दिमाग में यही आ रहा है। पर ये नहीं आ रहा है कि आपको जो चीजें हासिल हो रही है लोग लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी हासिल नहीं कर पा रहे। भाई साहब यहाँ पे आप ये मत देखो, ऐसे कई सारे स्टूडेंट है मेरे जिन्होंने 6-6 महीने के पैकेज रिन्यूअल किए डायरेक्ट, 1 शॉट 6 महीना, सर मैं आराम से सीखूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। उनके पास पैसे थे इसलिए उन्होंने किया, पर उनके विजन क्लियर थे इसलिए 1 शॉट 6-6 महीने के उन्होंने पैकेज लिए। यहाँ पे 1 महीने का पैकेज कुछ लोग ले लेते हैं और दूसरे महीने में रोना धोना चालू होता है, मेरा 1 महीना खत्म हो गया अभी मुझे क्या करना होगा। सर रिन्यूअल करना होगा तो सर मेरे 3,000 वेस्ट हो गए। अरे सर कैसे वेस्ट हो गए, आपने इतने चीजें हासिल किए, इतनी चीजें आपको मिली, आपने एजुकेशन नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जिनको क्या लगता है कि 3,000 लगाया मुझे $52,000 ऑटोमेटिक मिलेगा। सर 3,000 लगाया आपने एजुकेशन के लिए लगाया है, आपको इंडिकेटर दिया है, इंडिकेटर को प्रैक्टिस आपको करना है, सीखना आपको है, मास्टर बनना आपको है, अपने से स्टेप कंप्लीट करना और आगे बढ़ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे रहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है, कुछ दिक्कतें आती है फैमिली में, बंदा कहाँ बिजी हो जाता है, फिर वापस से रिन्यूअल करो, आगे बढ़ो। कहाँ मैंने 5-5 10-10 हज़ार रुपए लगाया, 3,000 रुपए, और उसमें 1,000 रुपीज लेवल में बंटने वाले, आपके सीनियर को बंटने वाले। तो ये चीजें नोट डाउन करके आगे बढ़ो सर। ओके सर देख लीजिए। यस सर, यस सर। सर प्लीज, दोस्तों साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज अगर आप पूरा नाम अगर टाइप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पीके सर, यस पीके सर, वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ पीके सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो हेलो, आवाज आ रही यस सर, यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। जी जी सर 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 मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, इसमें जैसा कि मैं अभी 2-3 दिन यानी वैसे तो 8-8 दिन से मैं देख रहा हूँ, और उसके जो वीडियोस है इसको भी मैंने थोड़ा फॉलो किया है। जी सर, जी सर, बस मेरा सवाल अभी इसमें इतना ही हो रहा सर कि
जैसे कि अपने को उसका नॉलेज नहीं है, जैसे अभी फॉरेक्स का बोलो या क्रिप्टो का ही है थोड़ा बहुत, वो भी कैसा है अपन ट्रेडिंग की नहीं करते हैं, तो कौन से चीजों पे करना चाहिए जिससे अपन थोड़ा परफेक्ट भी बने और अपन को उसका नॉलेज नहीं है तो एकदम धीरे धीरे करते हुए एक बेसिक इस पे अपन जाके अपन उस पे काम स्टार्ट कर सके, तो कौन से इस पे से शुरुआत करना चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ सर, फॉरेक्स में चालू करना चाहिए या फिर कौन से इस सर पे मैं पहले। उसके लिए ना बेसिक जो है बेसिक चीजें मैं बताता हूँ। आपको जिन्होंने भी आप इनवाइट किया होगा शायद बेसिक आपको बता देंगे वो। जी, दरअसल मैं एक ग्रुप में ज्वाइन है सर, ग्रुप में हूँ मैं सर, बॉम्बे से ओके है, सुबह मेरी बात हुई थी वो बॉम्बे वाले जो, वो खुद ही बोल रहे थे कि सर जूम मैं ही लेता हूँ करके। जी, तो कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे से ही आपकी बात हुई थी, मैं आपको अपन लोग बात करेंगे सर इसके लिए। जी चलेगा, कोई बात नहीं सर, जी जी सर, जी सर, जी सर, ओके ओके, सर, थैंक यू सर। मैं आपको बेसिक चीजें सब क्लियर कर दूंगा सर। जी, चलेगा चलेगा, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके ओके। हाँ गुरु जी, इनका जो सवाल था, ये सवाल कुछ लोगों के भी आ सकते हैं, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए अच्छा, कोई बात नहीं सर, सर, हाँ, ट्रेडिंग वो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन के अंदर पूरी दुनिया है। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हर एक इंसान की सोच अलग अलग है। कोई स्टॉक मार्केट में बैटिंग करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है, कोई बैंक निफ्टी में करता है, कोई क्रिप्टो में करता है। हर एक इंसान करेंसी मार्केट में, किसी न किसी मार्केट में ट्रेड करता है। हर एक इंसान की बिल्कुल चॉइस अलग अलग है। ओके, कौन तो सर, लॉन्ग इसमें टर्म ना इन्वेस्टमेंट में ध्यान देता है, तो कोई पर डे इनकम में ध्यान देता है, राइट सर? तो हमारा इंडिकेटर ऑल मार्केट में यूज होता है। जिसकी चाहते जिस मार्केट में यूज करना वो कर सकता है। कंपाउंडिंग का मामला जब आता है, गोल्ड मार्केट के अंदर हमारी कंपाउंडिंग होने वाली है। क्यों? कि पूरी दुनिया गोल्ड मार्केट से जुड़ी है। ये एक ऐसा पेयर है जो डेली 10 पॉइंट अप डाउन होता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या होता है, रैली आएगी तब आएंगी, बिटकॉइन हिलेगा तब हिलेगा, बोल रन आएगा तब आएगा। बंदा पैसा डाल देता है, ब्लॉक हो जाता है, जरूरत पड़ती है निकाल के बेच के वापस से उसको अपने रोटेशन चलाने पड़ते हैं। तो एक होता है सीड मनी, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक हो या शेयर हो, ये सारी चीजें इसे बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, क्वांटिटी में खरीदी हुई चीजें, स्पॉट ट्रेडिंग। लोग खरीद लेते हैं, जब बढ़ गया तो बेच देते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एंट्री मारते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म एंट्री मार के तुरंत अमीर बनने के लिए जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो हम आपको उस मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जुड़ी है, जहां पे डेली फ्लैक्चुएशन होता है। आप अपना डेली टारगेट सेट करें कि मैं डेली बार इतना बनाऊंगा। आप अपना वीकली टारगेट सेट करें, मुझे वीकली में इतना बनाना है। आप अपना मंथली टारगेट सेट करें, मुझे मन में इतना बनाना है। ये आपके ऊपर है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं, सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। जब हम शुरुआत में मार्केट के अंदर आए थे तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते थे, जब बोल रन था, फ्लक्चुएशन होता था, नए कॉइन लेते थे, डेली 5-5 डॉलर लगाते थे, $10, $20, कुछ 5 डॉलर के $3 हो जाते। तो ये सारी चीजें होती थी। तो इसके वजह से हमने करते 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 मेरे गोल्डीफाई एप्लीकेशन के बारे में पता चला, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग होती है इंडियन बेस में, INR बेस में। तो वहां से मुझे गोल्ड मार्केट की मालूमात मिली कि इज अ राइट करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी, जिसके अंदर डेली फ्लैक्चुएशन होता है। मुझे अपना टारगेट सेट करना है, 1%, 5%, 10%, डेली प्रॉफिट बनाना है, डेली विड्रॉ लेना है, उसी प्रॉफिट से मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। ये चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहो। वो आपको लॉन्ग टर्म शेयर, स्टॉक्स एंड मेंटेन पैनल, ये सारी चीजों में हम आपको कॉपरेट करते रहे। थैंक यू सर, थैंक ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यू सर, थैंक यू। बात करेंगे सर मीटिंग के बाद में आपसे। जी सर, जी ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, और किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं, सवाल खत्म हो गए क्योंकि मीटिंग में हम लोग। गुरु जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है, कुछ लोग जुड़े हैं पुराने लोग, खुलकर बात क्यों नहीं करते? खुलेंगे तो गिलेंगे। हर बार आप और हम का सवाल पूछते हैं कि पूछो पूछो, और वर्किंग डे के अंदर हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं।
कि भैया अबे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, अभी आज संडे है, आज मार्केट बंद है, मैं खुलकर बात करने आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा मेरे से बात करे इस मीटिंग के अंदर। तो सर देखिए जरा आप। मैं अपने से लेता हूँ अपने। ओ क्या बात है रहमान जी। यस जी अस्सलाम वालेकुम। रहमान जी वेलकम सर वेलकम। सर वेलकम सर, मैंने म्यूट कर दिया आपको, सॉरी अनम्यूट कर दिया। रहमान जी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर सर वो मेरा सवाल तो नहीं है, असल में मैं थोड़ा सा पिछले दिनों में लॉस में चला गया था, तो अभी मैं जो है हेजिंग को और इसको जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है उसको यूज करते हुए काफी अच्छे से जो है ना इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में जो है प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा। जी 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 बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। हाँ, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि लोग कहते हैं कि लॉस हो गया लॉस हो गया लॉस हो गया। सर मार्केट अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से निकलता है, हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया, ये हमारी गलती, मार्केट तो देने बैठा है। यासिन सर आपकी आवाज कट हो रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर सर? मेरी आवाज आ रही है सर? मार्केट तो हमें दे दे बैठा है। अब क्लियर आ रही है सर, बीच बीच में आपकी कट होती है आवाज। यस, मार्केट हमें देने बैठा है, खुलकर देने बैठा है। तो लॉस, ये जो वर्ड है लॉस, ये वर्ड नहीं यूज करके अब नहीं आ रही आप। सर आपकी आवाज। हेलो, एक मिनट सर, अभी आवाज आ रही सर? हाँ अब आवाज आ रही सर। यस सर। देखिए सर, लॉस ये जो वर्ड होता है ना, लॉस लॉस ये जो वर्ड रहता है, मैं इस वर्ड को निगेटिव मानता हूं। पहली बात, प्रॉफिट बुक हमने नहीं किया, ये हमारी गलती है। मार्केट तो अपने सिरे से चल रही है, लोग अपने सिरे से बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्केट बाय में भी पैसा दे रही है, सेल में भी पैसा दे रही है। गलत हम कर रहे हैं, रॉन्ग एंट्री मार रहे हैं, रॉन्ग एग्जिट कर रहे हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमें एक दिमाग में पहले डालना है, क्योंकि प्रॉफिट बुक नहीं कर किए, हमने नहीं किए, इस वजह से दिक्कत आई। अगर हम प्रॉफिट बुक करते तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको क्या करना है, सीखना। तो लॉस ये वर्ड में निगेटिव मानता हूं, तो आगे से आप ये चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर सका, आगे से करूंगा। तो ये चीजों को आपको कहना है सर। थैंक यू। जी सर वो मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर सका, मैंने अपने अकाउंट को हेजिंग में डाल दिया और अभी जो है वो लॉस तो नहीं उसको कह सकते, आप हेजिंग में बोल सकते हैं, और मैंने हेजिंग को रिकवर भी किया है। मैंने तकरीबन 14 पॉइंट जो है ना वो जो फ्राइडे का सेशन था उसमें मैंने 14 पॉइंट रिकवर किए हैं, सॉरी $14 रिकवर किए हैं। तो मंडे से प्रॉपर जो है उसको अच्छे से जी जी रिकवर जी करूंगा मैं। आह सर सेवन स्कैल्पिंग सर के लिए 1 मिनट का अगर अपन मैं कहता हूँ, जैसे कि सैफुल रहमान जी कहते हैं कि हेजिंग, अभी हेजिंग को मेंटेन कैसे करना है, इसकी पूरी वीडियो मैंने लोड की है अपने बूमजैक चैनल के ऊपर। फिर भी मैं बता देता हूँ, हेजिंग का मतलब दोनों टाइप ट्रेड, दो दो तरफ ट्रेड लेना, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, तो मैं ये कहूंगा हेजिंग कब करना है, जब हमें ऑप्शन नहीं बचता है, हमें पता नहीं चलता है मार्केट किस दिशा में जाएगी, हेजिंग करके सेफ होने के लिए, कि मार्केट में वॉलेटिलिटी चालू होती है, आगे न्यूज है और हम रॉन्ग टाइम उससे इतना माइनस दिख रहा है, तो हेजिंग में जाके न्यूज के बाद आप ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट को सेफ करने के लिए हेजिंग यूज करें, हमेशा हेजिंग यूज करना नहीं है, हमेशा हेजिंग यूज करने से बेहतर है कि वो दोनों ट्रेड काट के वापस से फ्रेश ट्रेड करो, आप फ्रेश तरीके से प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाओ। ये चीज आप नोट करना सर, क्योंकि हेजिंग वाले मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि मार्जिन और लिवरेज डाउन डैमेज होता है,
उसको मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या है, फंड ऐड करके अपना स्ट्रेटजी बढ़ा के वो दोनों ट्रिप बाद में कैंसिल कर देना है। ये चीज को आपको नोट डाउन करना है सर। ओके सर। जी सर जी थैंक यू सर। क्लियर हुआ? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। आइए अभी हम लेते हैं अमन सर, अमन शेख सर। अमन शेख सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अमन शेख सर लेफ्ट साइड में जो आपका माइक है उस पे टच करिए तो वो माइक का क्रॉस बटन निकल जाएगा और आप बोलोगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको माइक में बोलना भी नहीं आता, होता कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करिए। अमन शेख सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुरु जी जरा उनको क्या करना है बता दीजिए जरा। ओके देखिए मैं आपको अनम्यूट का जब ओपन कर यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हो तो आपको वहां पे ऑप्शन आता है अनम्यूट करके, दो तो ऑप्शन आते हैं तो वहां पे अनम्यूट कर दीजिए आप। जी हेलो। आपकी आवाज आ हाँ रही जी सर, वेलकम सर, वेलकम। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर आपकी आवाज। यासिन सर से मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, कि जो आपने जो 3 लाइन बूम जैक 8 में जो 3 लाइन है, ऊपर की 2 लाइन रेड होती तो सेल मारना है, 2 लाइन अपना ग्रीन होती तो बाय मारना है, यस बरोबर। तो यस ऊपर की जो जो लाइन होती है उसमें ना रेड ग्रीन होता है, जैसा रेड है या थोड़ा ग्रीन दिखता है थोड़ा रेड दिखता है, तो पूरी रेड होगी तो करना है या थोड़ा सा भी रेड दिखी तो करना है? सबसे पहले आपको आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, और मैं सेशन सेशन हाँ जो है ना, सेशन जो हमने जी सेशन कहा है उसको मैच करो, आपको प्रॉपर एंट्री टारगेट मिलेगा। साइडवेज मार्केट के अंदर आपको मौका नहीं मिलेगा, न्यूज टाइम में वो मौका नहीं मिलेगा। जी आप सेशन को मैच करके देख लो, आपको प्रॉपर पहली वाली लाइन ही एंट्री दे देगी, पहली वाली लाइन ही एग्जिट दे देगी सर। अच्छा, यस सर, ठीक है ओके यस सर, सर, थैंक यू सर। दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वेलकम सर। सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था जैसे कोई इंडिकेटर अपने ओल्ड टीपी हिट कर देता है, उसके बाद में वो वहां से दोबारा एंट्री नहीं देता है बहुत टाइम तक, तो वो वहां से हट जाना चाहिए ना, अगर एसएल हिट कर दे या टीपी हिट कर दे। सही बात बोल रहे हैं आप। किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 45 मिनट की सर? मैं 45 की भी कर रहा हूँ, 30 मिनट की भी कर रहा हूँ, 1 आवर की भी, तीनों यस। तो की जब तक बता रहा हूँ सोनोरिया नहीं बनेगा तब तक हटेगा नहीं। सर। जैसे आप मानो कि 2020 में उसने ओल्ड टीपी हिट मारे, यस फिर वो वहां से हटेगा नहीं, तो नीचे तक जाता है वो, 10 पॉइंट और 5 पॉइंट नीचे गया तब भी वो नहीं हटता है ना, सेल बताता है 5 पॉइंट 10 पॉइंट की दोबारा से सेल बता सकता है ना सर। बता सकता था, पर उसके अंदर जो अल्गोरिदम पाइथन जो सेट करके दिया है सेटिंग के अंदर, जो जब तक नेक्स्ट जनरेट नहीं होता तब तक एंट्री मारो मत ना, वेट करो ना। आपको 30 मिनट मैं आपको बूम जैक 9A के अंदर कुछ ऐसे अपडेट आने वाले हैं जिसके अंदर जो 1 पॉइंट ऐसे 10 पॉइंट DPA, आप नोट करना 45 मिनट के अंदर जब भी जनरेट हुआ है। अभी इस बार क्या हुआ है मालूम है सर? इस बार अच्छा 2 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक चलता ही रहा है, 4 बार एंट्री एग्जिट। तो ये इंडिकेटर कभी कभी, बता रहा हूं मैं, इसको मैंने नोट डाउन किया है, कभी कभी एक ही सिग्नल 4 5 बार दे देता है, इसके बाद जब तक सेकंड सिनेरियो नहीं बनेगा तब तक हटेगा नहीं। लेकिन सर उसमें तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना, 10 पॉइंट नीचे गया तो भी वो नहीं बताया, वहां से अप आया और तब भी वो भाई नहीं बता रहा, फिर जहां से वो टीपी हिट मारा था ना
वो जहां से स्टार्ट हुआ था वहां तक वो चला जाता है, फिर भी वो बाय नहीं बताता। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी लाइव के अंदर मैं खोल लिया हूँ, जब तक सन्योरे बनेगा नहीं तब तक वो हटेगा नहीं, क्योंकि उसके पाइथन के अंदर कुछ अपडेट आ रहे हैं, इसके वजह से भी ये दिक्कत आई होगी। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, पर वुमजैक 9A के अंदर मैंने देखा है जब तक प्रॉपर सन्योरे बनेगा नहीं। सन्योरे कब बनेगा? अभी ये जो क्लाउड दिख रहा है सर, हाँ, ये क्लाउड क्रॉस करने के बाद ही बनेगा, तब तक नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्लाउड और ये जो ब्लैक लाइन है ना सर, ये तो कोई दिख रही इतनी बड़ी ब्लैक लाइन सर, हाँ, दिख रही है। तो ये जो ब्लैक लाइन का जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक वो निकटेगा नहीं ऐसा। लेकिन सर कई बार ब्लैक नाइन को क्रॉस करने के बाद भी वो बाय नहीं बताता, नहीं क्या नहीं कह रहे नहीं हो? ये जब तक ये जो पाइथन है ना सर, ये पाइथन है ना, ये पाइथन अभी पूरा साइडवेज बता रहा है, ये ब्लैक लाइन बता रही है साइडवेज। जैसे कि आप देख लीजिए बहुत सारे अब बीटीसी के चैट पे भी आप देखो, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बड़ा सर बीटीसी के चैट पे, एक बड़ा सर वन डे, ये देखिए मैं आपको मैं बताता हूँ, तो बड़ा सर यस, ये देखिए सर, हाँ ये देखिए सर, ये जब तक ये जो लाइन है ना सर, हाँ अभी ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से गिरा मार्केट, बरबर सर, यहाँ पे जाकर, हाँ सेम सिचुएशन गोल्ड में हुई थी, आपने देखा होगा सर। हाँ हाँ, अभी ये जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होगी, ये जो क्लाउड को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जनरेट नहीं होएगा, ये चीज है सर। ओके, और दूसरी वो जो भी हुआ था वो न्यूज के वजह से हुआ था, न्यूज के वजह से पाइथन कभी कभी फेल जाता है, पर मैं यही कहूंगा कि भाई 45 मिनट की दो कैंडल के बाद, एक या दो कैंडल होने के बाद ही क्रिएट होगा, आप बिंदास आग बन के ट्रेड मारो, ऐसे लीड नहीं होगा। आप नोट करो यहाँ पे जिस तरीके से सिग्नल जनरेट हुआ था, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ओके 45 मिनट, 45 मिनट के अंदर ऐसे लीड नहीं हुआ, आपने नोट करो सर, हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं लेकिन हुआ। लेकिन अभी लेकिन यहाँ पे सर देखिए ये जिक्र है, ये देखो, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइन है ना सर, ये देखो सर, मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन में है, यहां से जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक क्रिएट नहीं होगा। ओके, ये जो जितने भी चीजें हुई है ना सर, ये सारा न्यूज की वजह से हुआ है, न्यूज न्यूज की वजह से, और न्यूज टाइम में इसको फॉलो नहीं करना है। आपको क्या कहा गया है कि भाई न्यूज के टाइम में बूमचैक 9A को एक्टिव नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना सेशन और इंडिकेटर एक्टिव करके अपना टारगेट कंप्लीट करके आपको निकलना है। आपको क्या चाहिए, आपको पोजीशन ट्रेड चाहिए या स्कैल्पिंग चाहिए, ये आपको तय करके निकलना होगा। पर यहाँ पे फिलहाल कुछ अपडेट चल रहे हैं बूमचैक 9 के वजह से, उसके वजह से क्रिएट नहीं हुआ होगा, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर ये हमेशा दूसरी नहीं चीज, होता है, हमेशा नहीं होता है सर। दूसरी दूसरी चीज बताता हूँ। यस सर, यस सर। अगर 1 पॉइंट का जो एसएल है ना, वो तो मेरे कम से कम भी 10 बार हिट मारा है, लेकिन मैंने ये तीन जो 1 पॉइंट का है ना सर, ये 2 पॉइंट होने वाला है, ये मैंने दो तीन पॉइंट लिया, 3 पॉइंट का एसएल हिट नहीं मारता है सर, नहीं, एक ये पॉइंट अभी का तो इसके मैं अंदर मारता है हूँ। ना, कुछ सेटिंग आ रही है, कुछ सेटिंग आ रही है, जो दिक्कत आ रही है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी, कुछ लोगों ने कहते हैं कि एसएल हिट हो रहा है, तो उसके वजह से एसएल का गैप बढ़ेगा और टारगेट ओनली 4 रहेगा, ये 2 निकल जाए। ओके चाहे भले ही सर 10 टीपी ले रहे हैं ना, तो वो चार चार पॉइंट का भी आप एसएल रखोगे ना तो बंदा लेगा, हाँ, लेकिन 1 पॉइंट का 2:2 का रेशियो में हमने रखने वाले हैं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं, वैसे इस चीज में वैसे मैंने इस बूम जैक से आप मानोगे नहीं, 300-300 $400 भी मैंने बनाए हैं पर डे, यस। लेकिन एसएल 3 पॉइंट का रखे, 1 पॉइंट हाँ के एसएल पे नहीं बनाए। यस सर, ये फ्लक्चुएशन के वजह से हिट होता है सर वोलेटाइल मार्केट के, और मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि वोलेटाइल मार्केट में आपको इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना है, आप वोलेटाइल मार्केट में पूरा रिट्रेसमेंट का चांस ले लो ना सर, रिट्रेसमेंट आपको कितना जबरदस्त देती है बूमजैक 7A के अंदर, आप हर सेशन के अंदर आप देख लीजिए कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट दिए के नहीं दिए, आप देख रहे हो कि जिस तरीके दिए से, ये देखिए 7:05 की कैंडल, ये देखिए सर, इतना पॉइंट का दिया,
ऊपर से नीचे है तो 7 के बाद ऊपर ही जाएगा। रिट्रेसमेंट देती है, इसको फॉलो करना चाहिए अच्छे से। हाँ सर, दूसरा सर, सुबह मॉर्निंग का रिप्लेसमेंट 8:35 का है ना, हाँ सर, 8:35 का है। पर और कभी कभी दोपहर न्यूज अगर रहे, सुनो, न्यूज अगर रहे तो रिट्रेसमेंट को फॉलो नहीं करना है। 8:35 में मॉर्निंग में। हाँ यस, 8:35। ये देखिए अच्छा ना, 5:30 से 11:30 और ये 8:35 की कैंडल। ये देखिए सर, 8:35 के टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, मतलब जितना वैल्यूम आता है और जो भी उनका जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है उस कंट्री का, इसके बाद मार्केट नीचे ही जाती है। इतना लेकिन आपको, सर, ये लास्ट वाली लेकिन सर लाइन क्या सेल बोल रही है, लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है, लास्ट में पड़े वाली रहो, लाइन, सेल सेल में पड़े रहो में पड़े रहो। तो ऊपर जैसे आप आए सेल मारो, आप आए सेल मारो और निकल जाओ अपना टारगेट कंप्लीट करके। ठीक है, और दोपहर में 2:05 का रिप्लेसमेंट बताया। हाँ सर, 2:05 का रिट्रेसमेंट, ये देखिए आपके सामने लाइव में, लेकिन देखो सर, शाम के नहीं, ये देखिए सर, ये देखिए 2:05 का रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन, यहाँ पे बोलिए सेल, ये देखिए सर 11:05, बराबर है सर। अभी सेल बोलिए तो सेल, मार्केट जब खुलता है तो फ्लक्चुएशन होता है सर, आपको पता है, बायर सेलर हाँ का फ्लक्चुएशन होता है। लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है सर, लास्ट वाली लाइन बोले सेल में पड़े रहो। ये देखो पड़े। यहां तक आपको नीचे आई मार्केट, अब गया सेल मारना है, अब गया सेल मारना, इतना है। ज्यादा समझ में नहीं आता है, 2 रेड पे आप एंट्री मार के निकल जाओ और 2 ग्रीन पे बाय मार के अपना अपना। देखो एक्चुअली कैसा होता है सर मालूम है, कम से कम आपको सीन क्या होता है, हमारे टारगेट रहते बड़े और हम क्या करते, छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट को ढूंढते। तो मैं आपको अभी जस्ट मीटिंग में कहा कि सर आपको बड़े टारगेट में आना है सर, 1 आवर पे आ जाओ, 1 आवर की एक कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल को पकड़ो सर, आपको यहाँ 10-10 पॉइंट के मूवमेंट मिलने वाले वन शॉट में। आप नोट करना ये चीज, जैसे एग्जांपल बताता हूँ सर, जैसे 1 आवर कैंडल अगर एक रेड हुई है तो क्या दूसरी रेड होगी या ग्रीन होगी? साइड वेज देखो, ये साइड वेज है, ये देखिए ये हाँ, साइड ये वेज है, साइड वे। हाँ साइड वेज है, साइड वेज है। रेंज बाउंडिंग आपको पता है, सपोर्ट है, देखो इधर ऊपर सपोर्ट है, ओके, अपना इधर 2 रेड हुआ, देखो इधर दिख रहा है 2 रेड हुआ नीचे, हाँ, तो ये इसकी नेक्स्ट कैंडल नीचे गया तो ये नेक्स्ट नीचे ही जाएगी, देखो सर। पर इसके लेने से पहले आपको आगे देखना है कि भैया आगे सेशन है या न्यूज है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक सेशन न्यूज है तो आपको अलर्ट रहना सर, ओके। ठीक है। दूसरा Yes. दूसरा मॉर्निंग में न्यूज का कैसे पता पड़ता है? एक मैक्सिमम न्यूज शाम को आती है 7 बजे के पास। Yes, न्यूज और सेशन, सेशन ओपन होने वाला है क्या, उस कंट्री के लोग आएंगे तो आपको थोड़ा अलर्ट रहेगा, क्योंकि मोस्टली ऑफ द आप कैलकुलेशन लगा के देखिएगा, एशिया सेशन ज्यादा से ज्यादा 80-90% अब भी जाता है, आप खोल के चेक कर लीजिएगा। और जब अगर एशिया में बुलिश हुआ तो आपका न्यूयॉर्क में भी बुलिश होता है सर, और एशिया अगर गिरा तो न्यूयॉर्क भी गिरेगा, ये चीज आप नोट डाउन करना सर। अच्छा, यस एशिया गिरेगा तो न्यूयॉर्क भी गिरेगा। यस 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 सर, पर वो ये चीजें जो है, ये साइकोलॉजी, ये चीजें हैं जिसको मैंने ऑब्जर्व की है स्टडी करके। आप मेरा बूमजैक 7 है, बूमजैक 8 है, एक्टिव करके पूरे महीने के एशिया सेशन निकालो और नोट डाउन करके ले लो, ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको आपको और अच्छा जजमेंट मिलेगा सर। दूसरी चीज सर, ये जैसे नए बंदे हैं ना, वो जैसे अब आप कह रहे हो ना काम चल रहा है 9 इंडिकेटर पे, जब हाँ भी ये काम चले ना, जैसे वहां से एसएल हिट मारते तो हट जाएगा ना, तो नए बंदों पे आसानी रहती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीक तक बूमजैक 9A का न्यू वर्जन आ रहा है, ओके। और एक मैं कह रहा था सबको एक वॉल्यूम क्रिएट, जैसे $1,000 पे कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, $500 पे कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, वो भी सर एक बार ग्रुप में डाल दे तो सही रहे। यस 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 सर, चलेगा, मैं वो कर देता हूँ सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये गुरुजी, हेलो हेलो, क्या बिजी हो गए, बोल दीजिए। प्रवीण भगत जी बोल रहे हैं, हाँ बोल, यस सर वेलकम सर। यशी सर।